हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास सिमुलेशन के बारे में बताऊंगा कि हम ब्लेंडर में क्लास सिमुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बताऊंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ एक क्यूब और एक प्लेन। यहाँ पे एक प्लेन लेता हूँ, प्लेन को मैं एज ए क्लॉथ के तौर पर यूज़ करूँगा, तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ और इसको यहाँ इस क्यूब के ऊपर गिराऊँगा ताकि ये कपड़े का जो शेप है वो इख्तियार कर ले। तो अब मैं इसको एज ए कोलिजन ऑब्जेक्ट के तौर पर रखूँगा और इसको फैब्रिक में रखूँगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मॉडिफायर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं ये जो क्यूब है इस पर एक मॉडिफायर यूज़ करता हूँ कोलिजन, बाकी हमने उसमें कुछ नहीं करना। इसके अपने प्रॉपर्टी है ये, अभी इस पर इसके काम के नहीं है, तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा इसके बारे में। और दूसरा हमारे पास है ये वाला प्लेन। प्लेन को एज ए क्लॉथ के तौर पर यूज़ करना है, तो इसके लिए आप लोगों ने इसको सब डिवीजन करना है। तो इस पर एडिट मोड में लेके जाए और राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर दें और यहाँ से ये तकरीबन 15 कर दें। एडिट मोड से निकल जाए और कंट्रोल ए की मदद से अल्ट्रासफॉर्म अप्लाई कर दें। अभी इस पर हमने क्लॉथ का मॉडिफायर यूज़ करना है, तो आप लोग यहाँ पे आ जा सकते हो और क्लॉथ मॉडिफायर यहाँ इस पर अप्लाई कर दें। जैसे आप क्लॉथ का मॉडिफायर यहाँ इस पर अप्लाई कर दें और यहाँ से प्ले का बटन दबा दें, तो ये कुछ इस तरह होगा। ये देखिए, ये उसके ऊपर आ गया, वहाँ उसके ऊपर ही रह गया है। सही है। अब मैंने इस पर राइट क्लिक करना है, थोड़ा सा स्मूथ करना है और इस पर मैंने एक और मॉडिफायर यूज़ करना है सब डिवीजन सरफेस, ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। इस तरह मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर ये अप्लाई कर देता हूँ सब डिवीजन सरफेस, तो हमारे पास ये मसला आ जाता है, वो क्यूब जो है ना इसके अंदर दिख रहा है। अब ये मसला हम कैसे हल करेंगे, इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे दो लाइन है इस पर क्लिक कर दें, तो क्लॉथ के जो प्रॉपर्टीज़ है वो आ जाते हैं। और फिर नीचे आके यहाँ पे आप लोग के पास एक मॉडिफायर होगा, यहाँ कोलिजन में, कोलिजन में हमारे पास है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को आप लोग 0.1 कर दो, तो फिर ये मसला नहीं रहेगा। ये देखिए, वो बिल्कुल वो अभी गायब हो गया वहाँ से और वो मसला भी नहीं रहता वहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग मटेरियल देखो, मैंने ऑलरेडी फैब्रिक लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे फैब्रिक लिखो और सर्च कर दो, इसको स्टॉप कर दे, तो मैं ये वाला मटेरियल फैब्रिक सर्च कर दो और कोई भी मटेरियल फैब्रिक वाला इस पर अप्लाई कर दो। तो मैं ये वाला डाउनलोड है, तो ऑलरेडी पहले से ये मैंने डाउनलोड किया हुआ, तो मैं इसको यहाँ इस पर अप्लाई कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये इस पर अप्लाई हो गया। अभी यहाँ से दोबारा अप्लाई कर दें, अभी यहाँ से दोबारा अप्लाई करें, तो ये इसके ऊपर ही आ गिरेगा और वो फैब्रिक भी इसके ऊपर आ गया है। अब अगर आप लोगों का काम कंप्लीट हो गया है, फॉर एग्जांपल आप लोग इसमें कोई और चेंज नहीं करना, तो आप इस पर ये मॉडिफायर अप्लाई कर दें और ये परमानेंटली क्लॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी अगर आपने कोई चेंजेस करना है इसके प्रॉपर्टी में, तो वो नहीं आएंगे क्योंकि अभी ये बिल्कुल कन्वर्ट हो गया है क्लॉथ में, और अभी इसमें वो सारे सब डिवीजन और जो हमने इस पर मॉडिफायर है वो अप्लाई कर दी, तो अभी इसमें कुछ किस्म का चेंजेस नहीं होता। अगर आपने करना है तो वो एडिट मोड में करना है, जो कि इस तरह होगा। तो ये था आज का एक सिंपल क्लास, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में मैं आप लोगों को और बताऊंगा क्लॉथ मॉडिफायर के बारे में। इसकी मदद से हम प्लेग बना सकते हैं, इसकी मदद से हम बहुत से काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम क्या क्या करेंगे इसकी मदद से, और हमारे पास इसमें और भी, हमारे पास ये फिजिक्स है, उसमें और काम भी हो सकता है, हम करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हाजिर हो जाते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।